अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब सेहत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जुशा ब्लॉग। चलिए करते हैं आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एमसील, छोटी से पैकेट में आता है ये, 10 रुपीज़ ईच होता है ये। इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पर भी पानी का जब लीकेज होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो मैं भी इस एमसील को यूज़ कर रही थी किचन काउंटर टॉप पे, जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे, क्योंकि जब भी ऊपर का जो काउंटर टॉप है क्लीन करती थी वाटर से तो चला जाता था, वरना स्टोव के ऊपर से कुछ पके स्पिल होता था तो तब भी चला जाता था। और ये रहा गैस पाइप का जो होल होता है, वो वहाँ से भी ढेर सारा वाटर कंटेंट जो है नीचे चला जाता था, तो इसलिए मैं इसको भी सील कर रही थी। और इस एमसील के पीछे की एक कॉमेडी मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी पहले मैं सोची इतनी सी किचन है कितना लगेगा, सोच के मैंने बस 3 लेके आई थी। इसके बाद वो तो बिल्कुल काम नहीं आया, थोड़ी ही देर पे वो ख़त्म हो गया था। तो फिर शावेस के हाथ से फिर 5 मंगाया तो वो भी कम पड़ गया, और फिर इसके बाद हस्बैंड के हाथ से फिर 3 मंगाया वो भी कम पड़ गया। इसके बाद फाइनली जाके और 2 मैं लेके आके लगाई तो करीब 13 यूज़ हुए मुझे इसको लगाने के पीछे। देखने में छोटी ही किचन लगती है बट बहुत सारा ये एमसील लग गया सारी किचन पे। ये मैंने रात को लगाया था ताकि पानी का यूज़ ना रहे। तो ये है अगला दिन सुबह, ये देखिए सारा कुछ सूख गया है। इसको एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से हार्ड बन जाए और एकदम रॉक जैसा बन जाता है वो। तो ये नेक्स्ट डे था संडे का। संडे के लिए, संडे के दिन कुछ ज़बरदस्त सा तगड़ा सा नाश्ता पकता है या फिर कुछ बिल्कुल ही बेकार सा नाश्ता खा के गुजारा करना पड़ता है। तो आज तगड़ा नाश्ते का दिन था। हस्बैंड जाके मटन लेके आए, उनको हरी फाल में रोटी खाना का दिल कर रहा था तो मैं यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था गोश्त, थोड़ा सा नमक ऐड करके कुकर के अंदर पानी सूखने के लिए। जब तक वो पानी सूख रहा था तब मैं यहाँ पे इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसके अंदर मैंने डाला है हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर और करीब 1/4 kg जितना ऑनियंस, इसके अंदर करीब 20 ग्रीन चिलीज, उसी के साथ मैंने डाल दिया करीब 1/2 kg से यानी 300 ग्राम जितने टमाटो, और उसको एक बार मैंने एक बार पल्स कर लिया। इसके बाद फिर से उस जार को निकाल के मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर इसको ऐड करके और एक और बार इसको मिक्सी के अंदर चला लिया। इस तरह से बना के डालने से थोड़ा अच्छा ग्रेवी आ जाता है और रोटी में खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो इस मसाले को मैंने कुकर के अंदर डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा पानी रिंस करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसी के साथ मैंने डाला है थोड़ा ऑयल। सो आप सोच रहे होंगे ये कौन सा लाल रंग का ऑयल है, ये बस रात को मैंने चिकन फ्राई किया था उसका तेल मैंने सेव किया था तो वही मैं यहाँ पे ऐड कर रही थी। इसी के साथ मैंने तवे को भी गर्म होने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि आटा भी भीग के तैयार हो गया था। अभी मैं इसको अच्छी तरह से गूंथ के इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। यहाँ पे देखिए मैं एक ही साथ सारा आटा गूंथ के पेड़े बना लेती हूँ क्योंकि एक बार तवे गर्म हो गए तो इनको गूंदना और पेड़े बनाने का वक्त नहीं मिलता। अभी मैंने देखिए ये सारे पेड़े बना लिए और शुरू हो गई हूँ मैं रोटी बेलने के लिए। तवे भी गर्म हो गए थे तो मैं अभी एक एक करके सारी रोटियाँ बना लूँगी, वरना अब एक ही साथ रोटियां ना बना लिया जाए तो ये पकते रहते हैं और
वहाँ पे देरी होती रहती है खाने के लिए, तो साथ में पका के एक साथ ही बैठ जाना ठीक होता है। तो ये देखिए जी, बेहतरीन सा फल बन के तैयार हो गया है। इतनी देर में मैंने सारी रोटियां भी पका ली थी, अभी मैं डिश आउट करूँगी इस फल को। ये देखिए, गर्मा गर्म फल मैं निकाल रही हूँ, और ये रही मेरे गर्मा गर्म रोटियाँ, ज़बरदस्ती रोटियाँ। अभी ये लग गया है हमारा दस्तरखान, हम सब बैठ गए थे खाने के लिए। जो बच गया था फल, मैं उसको लंच में इस्तेमाल कर लूँगी। यहाँ पे देखिए, बच्चे भी पढ़ने बैठ गए थे क्योंकि उनके चल रहे थे मंथली इवॉल्यूएशंस। और मैंने भी सारा अपना किचन, सॉरी हाउस का जो बेसिक वर्क होता है, उन सबको मैंने कंप्लीट कर लिया था। ये हस्बैंड जाके कुछ उनको सामान लाना था, तो उसी के साथ ये कुछ अमरूद उठा के लाए। इनको इतना फ्रेश देख के रहा नहीं गया, तो हम लोगों ने इस तरह से काट के इसके अंदर रेड चिली और सॉल्ट डाल के इसको ज़बरदस्त से हम लोग खाए। हस्बैंड तो जैसे मैड है इन सब चीज़ों के, लाइक ये अमरूद, भुट्टा, स्वीट कॉर्न हो या नाटी भुट्टा, कौन सा भी हो, और जो ये आता है कसावा, वो इन सब चीज़ों को, मूंगफली, उबले हुए मूंगफली, उसको, ये सब चीज़ों को ये हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये मेरा ट्रे टूट गया है, कल्प्रिट है कबूतर यहाँ पे मेरे ऊपर के कैबिनेट पे आके बैठ के उन्होंने ऊपर से एक बर्तन को नीचे गिराया। गलती से मैंने ये ट्रे वहाँ पे छोड़ दिया था, तो वो बर्तन इसके ऊपर पड़ के मेरा ट्रे टूट गया। ये देखिए, अभी मैं इसको इसके फेविक्विक के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं ये जुड़ेगा या नहीं। इसी के इस साथ हो गया था ये शाम का वक्त। लंच में हम लोगों ने फाल के साथ थोड़ा चावल ले लिया था, बस रात को कुछ हम लोगों ने खाना नहीं बनाया था। तो हस्बैंड जाके ये बेकरी का कुछ आइटम होता है वो लेके आ गए। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं खाते, बट कभी कभार लेके आ जाते हैं वो। इस तरह से ये रहा, शायद इसका नाम क्या है पता नहीं, दिल पसंद या कुछ कहते हैं, मुझे नहीं ठीक से मालूम है। और ये रहे हनी केक्स, इसी के साथ मैंने बना लिया था थोड़ी चाय। और ये रहे गरम गरम वेज पफ्स, अभी अभी ये बेकरी में पक्के उतर रहे थे तो हस्बैंड लेके आए थे। इसको मैं पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसको पीसेस में कर रही थी। तो ऐसे ही हमने एंजॉय किया ये चाय और स्नैक्स। बच्चे तो पप्स के अलावा कुछ नहीं खाए। और इसी के बाद हम लोगों को जाना था अम्मी के घर। रास्ते में सोचा कुछ बेकरी से खरीद के चले जाएंगे। रास्ते में ही मुझे एक अयंगार बेकरी मिली। अयंगार बेकरी बोले तो साउथ इंडिया का सबसे बेस्ट बेकरीज होते हैं। वहाँ के आइटम्स बहुत फ्रेश होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। वहाँ से कुछ चीज़ें लेने के बाद बच्चों को पेस्ट्रीज देख के रहा नहीं गया, तो मैंने तो उनको पूछ बोला था कि घर पे केक था क्यों नहीं खाए, बट उनको ये ब्लैक फॉरेस्ट वाला केक खाना था, तो वो वहाँ पे जिद कर रहे थे, तो मैंने उनको एक ख़रीद के दे दिया। ये देखिए, शवेज़ खिला रहा है अपने हाथों से अपनी दोनों बहनों को। तो एक काफ़ी नहीं हो रहा था तीनों को, तो मैंने एक और ख़रीद के इन तीनों को वहीं पे खड़ के थोड़ा थोड़ा खिला दिया। जब से बहन के यहाँ बेबी हुआ है, बच्चों को तो सिर्फ उनके घर जाना होता है क्योंकि बेबी को देखने के लिए।
ऐसे ही होते हैं बच्चे, वो खुद बच्चे होते हैं बट उनको और छोटे बच्चे देखने की ख्वाहिश होती है, तो बच्चों को लेके चली गई बेबी को मिलाने के लिए, और ऐसे ही मैं भी मिलके थोड़ी देर रुके, हम लोग ऐसे ही गपशप बातें की, बेबी को खिलाया। चाहे जितना भी वक्त बेबी के साथ रहो, जैसे दिल ही नहीं भरता, बट अगले दिन बच्चों को स्कूल भी जाना था तो हम लोग निकल गए कुछ देर ठहर के। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। बताइए फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।